गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सुन पढ़ते हैं एक छोटी सी मछली की छोटी सी कहानी। और इस छोटी सी मछली की छोटी सी कहानी में एक बहुत ही ग्रेट मैसेज राइटर ने दिया है कि वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड एज ही मेड अस। जैसा गॉड ने हमको बनाया है वैसे ही उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए और हमेशा गॉड को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि गॉड कभी गलत नहीं हो सकता। उसने जिन चीज़ों को जिस तरीके से और जिस चीज़ के लिए बनाया है वो बहुत सोच समझ कर और बिल्कुल सही बनाया है। इस कहानी में बच्चों हम पाएंगे कि एक छोटी सी मछली है, ये दिख रहा है आपको, ये छोटी सी मछली है जो हमेशा अपने साइज को लेकर कंप्लेन करती रहती है कि काश मैं एक बहुत बड़ी मछली होती तो मैं उन मछलियों की तरह पूरे समुद्र में इधर उधर घूमती और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। वो हमेशा इस बात के लिए रोती है कि उसका जो साइज है इन कंपेरिजन ऑफ अदर फिश क्या है, बहुत ही छोटा है। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से उसे अपनी गलती का एहसास होता है और उसे लगता है कि गॉड ने उसको जैसा बनाया वो बिल्कुल सही बनाया और अपने साइज की वजह से ही उसकी जान बच जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आओ शुरू करते हैं अपनी कहानी। और इस कहानी का टाइटल है अ लिटिल फिश स्टोरी, एक छोटी मछली की कहानी। अब देखें क्या होता है। देयर आर ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सीज, जो महासागर होते हैं, जो समुद्र होते हैं, वहाँ लाखों करोड़ों अलग अलग तरीके की मछलियाँ पाई जाती हैं। बट दिस स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ देम, लेकिन हमारी कहानी उन मछलियों में से एक मछली की है। एंड अ वेरी स्मॉल वन एट दैट, और ये मछली बहुत छोटी सी मछली थी, है ना बेटा, समझ में आया आप लोगों को। अब फिर क्या होता है। नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सीज टू मेक हिम कॉन्टेंटेड। कॉन्टेंटेड का मतलब होता है संतुष्ट रहना। इस समुद्र में इस मछली के लिए हर वो चीज़ थी जिससे वह खुश रहती, आनंदित रहती और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से काटती। लेकिन क्या हुआ, बट ही वॉज नॉट हैप्पी। लेकिन ये मछली कभी भी खुश नहीं रहती थी। अब देखिए, ये इसमें इन्होंने ही यूज़ करा है। ही का मतलब ये मेल फिश है, ओके, मेल फिश। लेकिन मछली के लिए हम हमेशा फीमेल वाले वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो जैसे हम कहते हैं ना, मछला था, ये मछली नहीं, मछला था। तो लेकिन हम मछली ही बोलेंगे कि मछली को फीमेल पार्ट्स में हम कैटेगराइज करते हैं, है ना बच्चों। तो बट ही वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन ये मछली कभी भी खुश नहीं रहती थी। यू विल लाफ व्हेन आई टेल यू व्हाई ही वॉज नॉट। तुमको मेरे प्यारे बच्चों बहुत हंसी आएगी ये सुनकर कि ये मछली खुश क्यों नहीं रहती थी। क्यों नहीं रहती थी, देखिए, बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल। ये मछली इसलिए खुश नहीं रहती थी क्योंकि इसका जो साइज था वो बहुत ही छोटा सा था, ये छोटी सी मछली थी। अब फिर क्या हुआ, इट इज वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट ऑफ अ फिश। तो माइट का मतलब होता है बहुत छोटा सा, छोटा कीड़ा। तो ये बिल्कुल एक छोटे से कीड़े की तरह बहुत छोटी सी मछली थी। जैसे घुन होता है ना, एक छोटा सा कीड़ा होता है गेहूं में होता है, वैसे ही तो ये घुन की तरह छोटी सी मछली थी। ही वुड से, वो अक्सर कहती थी, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार यही कहती थी। क्या कहती थी, बार बार कहती थी, इफ आई वर ओनली लार्जर, ओ काश ऐसा होता कि मैं बड़ी होती, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी,
तो आप समझ सकते हैं मैं बहुत खुश हो सकती थी अगर मेरा साइज बड़ा होता। एंड ही सेड इट सो मैनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट। और मैं बताऊं आपके लिए, दिन में वो इस बात को सैकड़ों बार कहती थी कि ओ गॉड, तुमने मेरा साइज इतना छोटा क्यों बनाया, काश तुम मुझे बड़ा बनाते तो मैं बहुत खुश होती। अब एक दिन क्या हुआ देखो, बड़ी अजीब घटना हो गई उसके साथ। वन डे ही वाज स्विमिंग अलोंग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल। स्कूल का मतलब आप जानते हैं, स्कूल होता है, लेकिन स्कूल का मतलब जो मछलियों का ग्रुप होता है उसको स्कूल बोलते हैं। तो वो मछलियों के एक ग्रुप के साथ तैर रही थी। फिर क्या हुआ, एंड थिंकिंग नो डाउट हाउ मच मोर द लार्जर फिश, और सोच रही थी इसमें कोई संदेह नहीं है, हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही व्हेन ही सडनली, कि उसने देखा कि जो कितनी मोर द लार्जर फिश थी, बड़ी बड़ी मछलियाँ, हैड टू बी थैंकफुल, और वो थैंकफुल थी गॉड की फॉर देन ही, उसकी कंपेरिजन में, मतलब जो बड़ी बड़ी मछलियाँ थीं इस छोटी मछली के कंपेरिजन में बहुत खुश थी। वो पानी में, समुद्र के सी वाटर में आनंद ले रही थी, लेकिन इसका मूड सैड था, उन मछलियों के साथ में ये सैड थी, लेकिन ये वाली मछलियाँ बहुत खुश थी, आनंद ले रही थी। लेकिन तभी क्या हुआ कि वहन सडनली विद नो वार्निंग, बिना चेतावनी के अजीब सी एक घटना घट गई। दे फाउंड देमसेल्फ इन द मैसेज ऑफ अ ग्रेट नेट, तो उन्होंने अपने आप को देखा कि मैसेज मानी होती है जाली, और एक वो जाली में फंसी हुई थी, नेट मानी जाल था, उसमें ये सारी मछलियाँ फंस चुकी थी, नेट की जाल की जाली में फंस गई थी ये सारी मछलियाँ। अब क्या हुआ, देयर वाज मच फ्लाउंडरिंग एंड स्प्लैशिंग एज द नेट वाज ड्रॉन अप आउट ऑफ द वाटर इनटू द सनलाइट। अब ये समुद्र की गहराई से ये जो नेट था ऊपर आने लगा। अभी मछलियाँ बहुत स्प्लैशिंग कर रही थी, छपाक छपाक कर रही थी, पानी में फड़फड़ा रही थी, और फ्लाउंडरिंग का मतलब होता है तड़प रही थी, क्योंकि ये जो नेट था हमारा ये समुद्र से सूरज की रोशनी में ऊपर आ रहा था, तो इन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी मछलियों को, और ये तड़प रही थी, निकल भी नहीं पा रही थी उसमें से। फिर क्या, फ्लाउंडरिंग का मतलब होता है तड़पना। एंड जस्ट, और तभी क्या हुआ, एज इट्स हॉल वाज बीइंग, और जब इसको ऊपर खींचा जा रहा था इस जाल को, तो क्या हुआ, देखिए क्या हुआ, एम्प्टाइड इनटू द बोट, और इस जाल को वो खींचते खाली कर रहे थे, मतलब मछलियों को पकड़ पकड़ के बोट में डाल रहे थे। द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल रिगल्ड, और ये जो छोटी सी मछली थी ये वाली, ये भी जाल में तड़प रही थी, ठीक है। थ्रो द मैस, और ये जाली थी, तड़पते हुए ये निकल गई। एंड स्लिप्ड बैक इनटू द कूल क्लियर वाटर, और ये इसमें से निकल गई, ये भी तड़प रही थी। देखो ये जाल में ये वाली छोटी वाली मछली थी, ये भी तड़प रही थी, इसमें बंद थी, तो ये जो जाली थी, इस जाल की जो जाली थी, जो ये चौकोर चौकोर दिख रहा है, इसमें से ये निकल गई, क्योंकि इसका साइज जो था वो बहुत छोटा था, और समुद्र के पानी में ये वापस गिर गई, ठंडे पानी, साफ पानी में। ही स्वैम हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर, अब वो कभी यहाँ तैर रही थी, 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 समुद्र में हर जगह तैर रही थी वो। एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम वेल, और वो दूसरी मछलियों के साथ भी तैर रही थी, ऑल द रेस ऑफ हिज लाइफ, और अपनी पूरी जिंदगी तैरती रही, सैड दैट दे नेवर अगेन हियर्ड हिम से दैट ही विज टू बी एनी थिंग बट अ लिटिल फिश, और दूसरी मछलियों ने कभी भी ये कहते नहीं सुना इस मछली को कि गॉड ने उसे छोटा बनाया है।
अब्बू हमेशा बहुत खुश रहती थी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि गॉड जिसको बनाता है उसका एक पर्पज होता है, उसका एक उद्देश्य होता है, और वो गॉड अपने ही हिसाब से किसी को छोटा और किसी को बड़ा बनाता है। तो हमें हमारे अंदर कभी भी किसी भी तरीके से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं लाना चाहिए, मतलब एक लो लेवल वाला दिमाग में नहीं लाना चाहिए कि हम अच्छे हैं, बुरे हैं, काले हैं, गोरे हैं, हमारी शक्ल ऐसी है, हम छोटे हैं, इतने लंबे क्यों हैं, इस मछली की तरह नहीं सोचना चाहिए। बट वी ऑलवेज शुड बी सो मच थैंकफुल टू गॉड कि उन्होंने जिस जैसा भी हमको बनाया है वो सही है। होप माई डियर स्टूडेंट्स यू वुड लाइक दिस स्टोरी। थैंक यू टू वॉचिंग दिस, थैंक यू वेरी मच। इसको एक दो बार पढ़िएगा ठीक से और ये पूरी तरीके से आपको फिर याद हो जाएगी, है ना बेटा।